नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको कंट्रोवर्शियल ओडिशा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ओडिशा के रिलेटेड ऐसे ही अननोन फैक्ट्स, क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स और हर एक जगह के बारे में एक अनोखी बात जानने का मन है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दो यारो, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा। ओडिशा खनिज और धातु आधारित उद्योगों के मामले में एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है, क्योंकि यह देश के 35% से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का वाहन करता है। हमारे राज्य आयरन और मैंगनीज और बॉक्साइट, निकल, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, कोल आदि का महत्वपूर्ण भंडार है, इसलिए यह खनिज आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक स्थान है। इन्हीं साधन के कारण राउरकेला स्टील प्लांट, NALCO, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैसे बड़े उद्योगों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी स्थिति स्थापित की है। 2019-20 में ओडिशा ने भारत में खनिज उत्पादन का 29% यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य 2019-20 में 22.10 बिलियन था। मार्च 2021 में आर्सेलर मित्तल निपन स्टील इंडिया और ओडिशा सरकार ने राज्य में 12 एमटी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, जिसमें 50,000 करोड़ की पूंजी निवेश किया जाएगा। ओडिशा राज्य में 283 विभिन्न खदानें मौजूद हैं और उनमें से 99 नॉन फंक्शनल हैं। मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वैधानिक मंजूरी जैसे कि खदान की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी ना होने से कुछ परिचालन ना होने का वजह है। वो ये भी बोले हैं कि ये खदानें तब खुलेंगे जब सारे क्लियरेंस स्टेटस का अपडेट होगा और जिसका सहमति SPCB ओडिशा देगा।